महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी का मंथन आज भी जारी है। मुंबई में बीजेपी नेता एकनाथ खड़से के घर पर कुछ देर पहले मीटिंग शुरू हुई है, जिसमें महाराष्ट्र के सीनियर बीजेपी नेता शामिल हैं। इनमें प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस, रविंद्र बुखारी और विनोद तावड़े के साथ ही ओम माथुर भी मौजूद हैं, जो कि राज्य के प्रभारी हैं बीजेपी के। कल ही बीजेपी ने साफ कर दिया था कि वो शिवसेना के साथ हर हाल में गठबंधन बनाए रखना चाहती है, लेकिन 119 सीटों का शिवसेना का ऑफर उसे मंजूर नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज से आपको बता दें नामांकन भी शुरू हो गया है, लेकिन बीजेपी शिवसेना में सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हो पाया है। शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि हम 135 सीटें जो बीजेपी मांग रही है किसी कीमत पर नहीं देंगे। अब गेंद बीजेपी के पाले में है। खबर यह आ रही है कि बीजेपी ने अपना रवैया कुछ नरम किया है और 135 से अपना दावा घटाकर 130 करने को तैयार होगी। खबरें ये आ रही है, शिवसेना को 140 सीटों का ऑफर बीजेपी ने दिया है, ऐसी खबरें, और बाकी 18 सीटें छोटे सहयोगियों के लिए छोड़ने का ऑफर दिया है बीजेपी ने। अब देखना यह है कि शिवसेना उस पर क्या कहती है। इस बीच बीजेपी ने भी बैठक की है, चल रही है अभी, उसमें तय होगा कि आगे क्या करना है। फिर से आपको बता दें मुंबई में बीजेपी की बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें कोई फैसला लिया जा सकता है कि शिवसेना को क्या नया ऑफर देना है। इंद्रजीत और जानकारी के साथ जुड़ गए मुंबई से। इंद्रजीत, क्या अब गेंद आखिर किसके पाले में है? क्या मुंबई में बीजेपी की जो बैठक चल रही है उसमें कोई नया प्रस्ताव फाइनल हो सकता है जो दिया जाएगा शिवसेना को? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो पुराना प्रस्ताव था जो कल बीजेपी ने शिवसेना को दिया था, उस सेना को माने नहीं है और शिवसेना 150 से कम होने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो अलायंस की सीट है वो भी शिवसेना के ही खाते से जा रही है। अगर पिछले साल का रिकॉर्ड देखें तो 169 सीट पे शिवसेना लड़ी थी और 119 सीट पे बीजेपी लड़ी थी, तो इस बार 3-4 छोटी पार्टियों का अलायंस है। तो शिवसेना का यही कहना है कि जो भी अलायंस का फायदा होगा वो दोनों पार्टियों को होगा और ऑलरेडी 18 सीट हमारे खाते से जा रही है, इसलिए हम आपको 119 से 2-4 सीटें बढ़ाकर दे सकते हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से सूत्रों के मुताबिक जो रात को ऑफर गया था वो 125 सीट बीजेपी लड़ना चाहती थी और 145 सीट शिवसेना को दे रही थी, लेकिन शिवसेना को वो मान्य नहीं है। ठीक है, इंद्रजीत हमारे साथ ही रहिए, फिलहाल सुन लेते हैं जय पांडा क्या कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, शिवसेना और बीजेपी का जो बातचीत हो रहा है वो उनका इंटरनल मैटर है, तो उस पर कोई और पार्टी का कुछ कमेंट देने में मैं नहीं समझता कि ठीक रहेगा। देखिए, शिवसेना और बीजेपी का जो बातचीत हो रहा है वो उनका इंटरनल मैटर है, तो उस पर कोई और पार्टी का। तो इंद्रजीत ये बताइए, अब आप कह रहे हैं बीजेपी शायद कोई नया प्रस्ताव दे सकती है जो कि शिवसेना को भेजा जाएगा, क्या लग रहा है आपको, दोनों तरफ से कुछ रवैया नरम हो रहा है? क्योंकि खबरें ये आ रही थी बीजेपी 130 सीटों पर मानने को तैयार दिख रही है, क्या शिवसेना 140 पे मानेगी? जी बिल्कुल, इस तरह की खबर थी, लेकिन कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि शिवसेना भी 150 से कम होने के लिए तैयार नहीं है, तो बीजेपी को भी 130 से नीचे आना होगा और शिवसेना को भी 150 से नीचे आना होगा, तभी जाके कोई बीच का फार्मूला निकलेगा। और किस तरह से शिवसेना से डील करना है यही रणनीति यहाँ पे तैयार की जा रही है कि शिवसेना को किस तरह का ऑफर दिया जाए जिससे कि अलायंस भी बचा रहे और पार्टी को भी कम से कम नुकसान हो और ज्यादा सीटों का फायदा हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत इस जानकारी के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा।